तो ये देख लीजिए सब लोग चुनू मुन्नू कैसी आशैतानी करते मेरे घर में बैठे हैं। और मैंने गेट भी बंद किया हुआ है, फिर भी पता नहीं कहाँ से अंदर घुस के आ गए। और इधर सब तो मेकअप में लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं और ये तैयारी कर रही हैं, पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, है ना। ए शैतान बच्चों, शैतान ना रहो, शैतानी करोगे हैं, करोगे। ये दोस्त देखो इसकी आँख कैसे मटकती रहती है, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ ऐसे मटक मटकाओ, अभी नहीं मटका रहा है। ये दोनों बंदर ना बहुत परेशान करते हैं। कहाँ से आए हो, आज गेट बंद था तो खोल दे। कैसे आए हो, से खोल दिया, ऊपर कब खोल दिया, तो ऊपर तो खोल दिए ना, नीचे से तो बंद है। ऐसे छोड़ दे, फिर बंद दिए। अब ओ क्या दिमाग लगाया है ना, तो मतलब तो रस्सी छोड़ के छत से आया है, देखे दोनों लोग मतलब एक दूसरे झूठ बोल रहे हैं, कौन छत से आया कौन नहीं आया बता। नहीं ये, 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 तुम जा रहे ना मम्मी से पूछते कौन कहाँ से आया है। बताओ तो, बच्चों की शैतानी चल रही है और बच्चे ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आप लोग अक्सर देखते होंगे वीडियो में, है ना। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और अभी हम थोड़ा से मौसम साफ हुआ हल्का सा, तो देखती हूँ थोड़ा बाहर जाके कि सूट रील सूट करने लायक है कि नहीं, ऐसे कि देखना भी पड़ेगा ना। जहाँ से मैं सूट करती हूँ तो अक्सर वहाँ बहुत फिसलता है, इतना काई लग जाती कि क्या बताएं। और प्राची मेरी रेडी हो रही है इसलिए मेरा थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, इसे मैं लोग का भी पानी की वजह से स्कूल तो वैसे भी डिस्टर्ब है, तो इसीलिए थोड़ा सा। और देखिए मैं कैसी लग रही, अच्छी लग रही कि नहीं अच्छी लग रही है ना। तो मैंने बताया भी था कि साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ और साड़ी मैं सूट करने के लिए ज़्यादा कर पहन रही हूँ, तो इसीलिए कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही। तो चलिए मैं देख लेती हूँ पहले बाहर की क्या स्थिति है, सूट करने लायक बाहर है रील्स के नहीं, होगी तो करूँगी, नहीं होगी तो कोई बात है नहीं। और यहाँ पास देख लीजिए आप लोग, ये यहीं पास मैं सूट करती हूँ रील, और इतने ज़्यादा पानी की वजह से फिसल रहा है, तब तो मुश्किल है, मैं नहीं फिसलने वाली कि मैं फिसल के गिरने वाली तो नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरा सूट आज यहाँ नीचे का तो कैंसिल हो रहा है, मैं नहीं करने वाली। और अब देखती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और आ देखिए मैं कितने सारे पौधे लगाई हूँ, ये देखिए है ना। और उधर देखिए गमले में मैं तैयार करी हूँ, और कुछ गेंदी गेंदा जो भी हो ये बस मैं मंगवा के लगवाई थी, तो अभी तो देखते हैं क्या होता है। अब बाहर यहाँ भी देख लीजिए और दिखाती हूँ, यहाँ पास से मैं सूट करती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि यहाँ से रील्स बन सके एक आध दो, ये जगह ठीक लग रही है। और छत का भी थोड़ा सा देख ही लेती हूँ कि छत में है क्या, ठीक ठाक है कि नहीं, पानी भरा हुआ है कि नहीं, तो पानी की वजह से काफ़ी समस्या हो ही जाती है। तो चलिए ऊपर भी देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं। तो ये है हमारे छत की स्थिति, लेकिन फ़िलहाल कोशिश करूँगी कि मेरे छत में सूट हो जाए। और यहाँ देख लीजिए काफ़ी पानी भरा हुआ है छत में मेरे, और बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ये देख लीजिए चारों तरफ। और छत में पानी नहीं लगना चाहिए लेकिन फिर भी लगा हुआ है। और ये देख लीजिए मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ, मैं मेरे यहाँ का जो सामने से खेत था ये देखिए, और सभी में आज ही धान लग गई है, और कितना अच्छा लगने लगा हरा हरा। और साथ में मैं नदी भी दिखा रही हूँ आप लोग को, यहाँ से मेरे बगले में एक नदी निकलती है, ये आप लोग को दिख रही होगी बहते हुए। और काफ़ी ये पानी मौसम मतलब दो तीन दिन से लगातार हमारे यहाँ बारिश होने की वजह से, और अभी जो है तो कुछ ज़्यादा पानी आ गया है, और बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, भगवान न करे कोई डूबे हुए तो बह जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये हमारे घर से एकदम जस्ट पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, और अच्छा भी लगता है इस समय तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं देखती हूँ आज क्या सूट कर पाती हूँ क्या नहीं, है ना। तो इस समय हमारे यहाँ की छत की हालत ये है,
और छाते से मैं वीडियो बनाती हूँ, छाती और नीचे, और दोनों की स्थिति है ख़राब, है ना। तो गाइज़ आप लोग के यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं है, थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर। ये देख लीजिए यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, नदी वदी, ये देखिए दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। तो काफ़ी पानी वगैरह यहाँ आ चुका है, और अब मेरी तैयारी है शूट की, और मैं जा रही हूँ थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट करने। और अभी तक ने आपने ब्लॉग देखा ही होगा, तो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए करिए, और कमेंट भी कर दीजिए करिए, है ना। तो आई होप आप लोग इस समय मौसम का बहुत आनंद ले रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, अच्छा भी लग रहा। अब काफ़ी त्यौहार भी आने वाले हैं, और त्यौहार हम लोग भी जैसा हो सकेगा वैसे मनाएँगे भी। तो चलिए दिखाएँगे आप लोग को भी कि हम लोग कैसे मनाते कैसे नहीं, अच्छा है कि बुरा जो भी है, तो आप लोग को वीडियो द्वारा बताते ही रहेंगे। तो अभी मेरे बच्चे रेडी नहीं हुए हैं, तब तक मैं सोची आप लोग से बातें ही कर लेती हूँ, है ना। तो हो जाएगी तभी तो उसके वो मोबाइल कैमरा मोबाइल संभालेगी, तभी ना मैं शूट करूँगी। तो आई होप इस समय मेरे रील्स थोड़े वायरल नहीं हो रहे हैं किसी वजह से, पता नहीं क्या। जब से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए तब से रील थोड़ा सा रुकी हुई हैं, और लॉन्ग वीडियो मेरी बढ़ रही हैं। और अच्छी बात है मेरे से कि 4000 घंटे का वॉच टाइम आप लोग की द्वारा ही कंप्लीट होंगे। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सभी लोग हमारी वीडियो को देखें, और हमको वहाँ तक थोड़ा सा सपोर्ट करें और पहुँचाएं। आपके प्यार और विश्वास की वजह से ही मैं वहाँ तक पहुँचूंगी, है ना। तो थोड़ा मेरी मंजिल करीब है, तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सभी लोग से कि आप लोग ध्यान दें हमारे वीडियो तरफ, है ना। तो चलिए, ये बगल में मेरी चाची का है छत जो बन चुका है, और इधर से कुत्ते वगैरह आते तो मेरे घर छूट जाते हैं, है ना। इस समय